डेली 5-6% का प्रॉफिट, यानी एक दिन में 5-6% का प्रॉफिट, और आप महीने में 20 दिन भी करते हैं तो आपका 100% का प्रॉफिट, यानी आपका कैपिटल जो रहेगा वो जस्ट महीने भर में ही डबल हो जाएगा। और ये आपने साल भर कर लिया तो आपका कैपिटल कहाँ जाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्या कहीं ऐसी ट्रेडिंग भी होती है? आज हम बात करने वाले हैं कि डेली आप 5-6% का प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, और यहाँ पर रिस्क सबसे बड़ी बात है, जीरो होने वाला है। TNC मैंने टर्म एंड कंडीशन से लिखा है कि जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो ओनली आपको यहाँ पर 10 मिनट देने हैं, ओनली 10 मिनट्स देने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे, लगे नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, एनी टाइम स्टॉक मार्केट को देखना नहीं है। स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है भैया तो भी आप डेली का ये 6% कमा सकते हैं, डेली का 6%। ऐसा भी होता है, हाँ जी होता है, ट्रेडिंग आज मैं आपको ऐसी भी बताने वाला हूँ। स्टार्ट फ्रॉम 50 रुपए, यानी 50 रुपीज से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। पैसे नहीं है भैया तो भी कोई बात नहीं, जितना भी पैसा है ना, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, वहीं से आप इसको शुरू कर सकते हैं। नो लॉस ओनली प्रॉफिट, ये हम बात कर ही चुके हैं कि आपका यहाँ पर लॉस नहीं होगा भैया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आज हम बात करेंगे ETF की। उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इन दोनों ही चीज़ों का दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आज हम बात करेंगे ETF की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये होता क्या है कई लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो शायद ही आप यहां पर पहली बार देख रहे होंगे। अभी होता क्या है, अभी तक आप क्या है ट्रेड कर रहे होंगे, किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे, जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, आप ट्रेड कर रहे होंगे, आप पैसा लगाते होंगे। अब मान लीजिए S1 ट्रेड में मतलब डाउन परफॉर्म कर रहा है, गिर गया, जैसे लाइक अभी रिसेंटली पेटीएम के साथ में हुआ है, तो आपका भैया पैसा तो गया, पैसा तो आपका निश्चित तौर पर गया। मान लीजिए आप जैसा अभी यस बैंक के साथ में हुआ था, वैसा किसी शेयर के साथ में हो जाए तो आपका पैसा तो डूबना तय है। लेकिन यहां पर ETF में क्या है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, जितना ETF गिरेगा उतना ही आपको बाय करना है। 1% गिरा तो आप बाय कर लो, भैया ऐसे कैसे गिरा तो बाय कर लो, हाँ गिरा तो बाय ही करना है आपको। अब मान लीजिए ETF को हम समझे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को हम समझे, तो S1, S2, S3, अब मान लीजिए इनका तीनों का मिलके बन गया इंडेक्स फंड, इन तीनों का मिलके बन गया इंडेक्स फंड। ये तो समझते हो ना भैया, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे इंडेक्स फंड होता है। म्यूचुअल फंड में भी क्या रहता है, बहुत सारे शेयरों का मिलके, 40-50 शेयर्स का मिलके एक फंड बना दिया जाता है, कंपनीज का मिलाकर एक फंड बना दिया जाता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। लेकिन भैया हम इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इंडेक्स फंड के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया है, उसका नाम है ETF। ETF, अब मैंने कहा था यहां पर लॉस नहीं होगा, लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ETF के अंदर भैया टॉप परफॉर्मिंग वाली टॉप 40-50 जो भी ETF होगा, जिस भी कंपनीज का, उसमें टॉप कंपनीज रहने वाली है, टॉप लेवल की कंपनीज रहने वाली है। मान लीजिए S1, S2, S3 ऐसी 50 कंपनियां किसी ETF के अंदर है। ETF अलग अलग हो सकते हैं, गोल्ड का अलग होगा, निफ्टी का अलग होगा, फार्मा का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, तो अलग अलग ETF है, बहुत सारे ETF है। कैसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, चुटकियों में, चुटकियों में आप निकाल लोगे, मात्र 1 मिनट का समय लगेगा आपका, वो सब कुछ शॉर्टकट मैंने डाल दिया है कि बस वीडियो को आप पूरा देख लेना, समझ लेना। अब मान लीजिए S3 खराब परफॉर्म कर रही है, तो यहां से भैया ये हो जाएगी आउट, और S4 वाली है ये यहां पर आ जाएगी ETF वाले यहां पर पोजीशन पे। तो टॉप 50 कंपनीज का ही जब मिलकर ETF बन रहा है, फंड बन रहा है, तो यहां पर पैसे डूबने के चांसेस एकदम हो जाते हैं खत्म भैया। अब बात करते हैं ETF के अंदर हम ट्रेड कैसे करेंगे भैया, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। आपने बताया था गिर जाए तो खरीद लो, वो अब हम बात करते हैं उसी के ऊपर। अब देखिए ये है हमारी स्ट्रेटेजी, अब एक एक चीज समझना। यहां पर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे, जैसे ETF है, ETF आप ले लीजिए एग्जांपल, निफ्टी बीज है, निफ्टी का ETF है, वो आप बाय कर रहे हैं, लेकिन वो डेली बाय नहीं करना है भैया, डेली एक ही ETF बाय नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको
ETF 3 से 4 महीने वेट करना है, 3 से 4 महीने का वेट करना है। ये वेट कैसे करना है, आपको 3 से 4 महीने रोज ETF खरीदने होंगे, रोज ETF खरीदने होंगे। आप बोलेंगे कैपिटल, भैया कैपिटल मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए है कि हम 1 लाख रुपए तो स्टॉक मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, ETF के अंदर हमको डालना है, तो डेली आप 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे सर। 3 से 4 महीने आपको ये करना पड़ेगा, 3 से 4 महीने। जब 3 से 4 महीने डेली एक एक ETF आप खरीद लेंगे ना, तो आपके पास में 3 महीने बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी दुकान खुल जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी दुकान आपके पास में खुल जाएगी। जैसे एक दुकान होती है, उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, उसके अंदर आटा भी होगा, चावल भी होगी, चीनी भी होगी, साबुन भी होगी, कोलगेट भी होगा, बहुत से आइटम होंगे उसके एक शॉप के अंदर। मेडिकल की शॉप है तो मेडिकल का आइटम होगा, जनरल स्टोर है जनरल का आइटम होगा, फैंसी शॉप है फैंसी के आइटम होंगे। तो दुकानदार करता क्या है, कभी कुछ चीज बेचता है, कभी कुछ चीज बेचता है, तो उससे कभी कितना प्रॉफिट होता है, दूसरी चीज से थोड़ा प्रॉफिट होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, तो वैसे ही आपकी एक दुकान ओपन हो जाएगी। और 3 महीने बाद जब आप सामान बेचने लगेंगे ना, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो 3 से 4 महीने आपको डेली का प्रॉफिट लेकर चलना है। डेली आपको कैपिटल जो आपका है, मैं बात कर चुका हूं, 1 से 1.5% ही आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका 50,000 कैपिटल है, तो डेली आपको 500 रुपए ही लगाने हैं ETF के अंदर। लगाने कौन से ETF के अंदर है, कैसे खरीदना है, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, स्टॉक मार्केट नहीं आता है भैया तो भी नहीं, आप यहां से कर सकते हैं इसको ETF को बहुत इजीली, भागना नहीं है बस। 1 ETF a day, एक बार में एक दिन में आपको एक ही ETF बाय करना है। मान लीजिए आज गोल्ड वाला ETF गिरा हुआ है, तो आपको उसका वो एक ही बाय करना है। सिल्वर भी गिरा हुआ है, निफ्टी भी गिरा हुआ है, तो सब बाय नहीं करने हैं, मात्र केवल एक बाय करना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब क्या है, सेल आफ्टर 3 मंथ, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको 3 महीने के बाद में ही सेल करना है। और डेली आपको कौन सा ETF खरीदना है, जो 1% से 2% गिर रहा है, 1 से 2% जो गिर रहा है वही खरीदना है, जो गिर रहा है वही खरीदना है। बोले ये क्या है, बोले यही गणित है, इसको भी अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे खरीदना है, क्या कुछ करना है। अभी हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैं अब आपको बताऊं, एक एग्जांपल के जरिए हम चलते हैं, एक ETF मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये आ जाइए आप, ये है भैया निफ्टी का, निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज ये इसका नाम है। यहां पर पेन आ जाइए भैया, पेन वाले भैया किधर हैं, आप आ चुके हैं। हाँ, अब ये है निफ्टी 50 बीज, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का ETF है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, अब आप देखिए यहां पर ये शायद आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पहले ये आपको यहां से, ये बड़ा कैसे होगा, हाँ ये बड़ा हो गया है, ये आ गया, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा साफ। अब हम बात कर लेते हैं, देखो भैया ये 2005 से लेकर 2024 तक का है, अभी ये चल रहा है 245 रुपए का, 245 रुपए इसकी कॉस्ट है आज की तारीख में। अब देखिए हम गणित लगाते हैं, 2014 का ले लेते हैं, 2014 में ये 62 रुपए का ही था, बस 62 रुपए का ही था। अब मान लीजिए हम आ जाते हैं 2020 में, 2020 में ये हुआ 126 रुपए का, 126 का था 2019 में, 2020 ले लेते हैं हम, 20 में ये था 106 रुपए का, 106 रुपए का था, और हम यहां पर ले लेते हैं 2022 की बात ले ले तो 192 रुपए का ये हो गया था, 192 रुपए का, और 2024 में आज चल ही रहा है 245 रुपए का। और आप इसके ग्राफ देखेंगे ना, आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। कोई सा भी आप ले लीजिए, दूसरा भी मैं खोल के दिखा दूं आपको, यहां पर गोल्ड का बीज दिखा देते हैं आपको, गोल्ड का ETF, गोल्ड बीज, ये रहो गोल्ड बीज आ गया है। अब देखो इसका देख लो आप, यहां पर आप अपन इसका ले लेते हैं मोर और मैक्सिमम टाइम इसको हम कर देते हैं। अब आप देखोगे ये उड़ता हुआ ही है, यानी हाई ही है, नीचे नहीं जा रहा है ETF, नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए आपका जो रिस्क है उसको जीरो कर देता है, यहां पर लॉस आपका नहीं होता है। अब भैया आपको खरीदना कैसे है ETF, ETF यानी लेना कैसे है, उसके लिए हमने भैया यहां से ये चोरी किए, देखो साफ साफ मैं बोलता हूं चोरी किए, ये एक्सेल शीट पूरी रेडी है जिसके अंदर सब कुछ आपका डेली अपडेट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, सागर सिन्हा है, बहुत अच्छी वीडियोस आप उनके देखते हैं, उन्हीं के हमने वहीं से ये एक्सेल शीट मैंने ली है, उन्होंने सारे फॉर्मूले सेट कर रखे हैं, डेली अपडेट होगी, आपको केवल एक्सेल शीट फॉलो कर लेनी है। अब क्या है,
इतनी सारी चीजें देखकर आप घबराओ मत, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला खाना ETF NSE कोड, ये कोड है। जैसे निफ्टी 20 हमने बात करा था, निफ्टी 20 245 का था हमने देखा, यहाँ पर कैटेगरी है असेट्स की, ये कौन कौन से फंड है यहाँ पर, जैसे निफ्टी में है, ये HDFC निफ्टी का है, ये मोतीलाल ओसवाल का है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख रखे हैं और इनके कोड लिख रखे हैं जो आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। ये CMP है, करंट मार्केट प्राइस जो कि चल रही है। जैसे अभी हमने बात करी थी गोल्ड बीज की, गोल्ड बीज भी अब 52 रुपए का अभी चल रहा है, यहाँ पर गोल्ड बीज आप सर्च कर लेना, गोल्ड बीज आपको यहाँ पर 52 रुपए का दिख जाएगा। जैसे निफ्टी बीज था 245 का चल रहा है और ये हमको यहाँ पर 245 रुपए नजर आ रहा है। अब करना क्या है, जो डेली का गिरेगा भैया, जो डेली का 2% गिरेगा उसी के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। अब डेली का 2% गिरेगा ये कैसे चूज करना है, कुछ ही नहीं करना है भैया, एक्सेल शीट पे थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, यहां पर सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला सेट है। जैसे यहां क्लिक करोगे ना आप, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर सारे फॉर्मूले सेट है। आज जो गिरा है, टॉप जो गिरा है वो HDFC का सिल्वर गिरा है, इस ETF का नाम है HDFC का सिल्वर, 1% गिरा है सबसे ज्यादा, तो आपको यही बाय कर लेना है। मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बाय करना है भैया। डेली का चेंजेस होंगे यहाँ पे, डेली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो गिर गया वो खरीद लो। तो HDFC सिल्वर आपने ETF ले लिया, आज एक क्वांटिटी ले ली, मान लीजिए आपके पास में डेली का बजट 1000 रुपए था, 1000 रुपए की आपने HDFC सिल्वर की परचेजिंग कर ली है आज की तारीख में। अब शांत बैठ जाना है, कल वापस से आपको लिस्ट खोलना है, और खरीदना कब है, खरीदना आपको वो टाइम है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ किस टाइम पर खरीदना है। अभी मान लीजिए आपने ये ले लिया HDFC का सिल्वर, अब कल ही अपडेट हुई, कल मान लीजिए निफ्टी 20 ज्यादा गिरा है, तो निफ्टी 20 आपको ले लेना है। ऐसे जब सर आप करते जाओगे, 3 महीने तक करोगे, तो 3 महीने में आपके पास में बास्केट हो जाएगा, और 3 महीने बाद जब आप बेचना चालू करोगे ना उनको, जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें मोटा प्रॉफिट हो, उसको बेचते जाना, खरीदते हुए चालू रखना, आपका एक बिजनेस सेट हो जाएगा, पूरा बिजनेस सेट कर दोगे आप यहां से इसकी मदद से। यहां पर देखो इन्होंने भी लिख रखा है बाय वन ETF ए सिंगल डे, जो कि मैंने आपको बताया है, सेल ओनली वन ETF ए सिंगल डे, सेल करोगे 3 महीने बाद 4 महीने बाद तो भी एक ही बेचना, ऐसे नहीं ज्यादा में प्रॉफिट दिख रहा है सारे एक साथ बेच दिए, वो नहीं करना। बाय ओनली इफ डाउन मोर देन 2%, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, 1-2% गिरे डाउन हो वही आपको लेना है। सेल टारगेट शुड भी अबाउट 6%, यानी 6% का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं सर, कम से कम कि 6% बढ़ेगा तब ही बेचना है, 7% 10% वो जा सकती है ग्रोथ, आपकी ज्यादा भी जा सकती है 15-20%, जैसा कि अभी मैंने निफ्टी 20 के अंदर देखा था। अब देखिए समय की बात करें, बाय ETF आफ्टर 3 PM, यानी 3 बजे बाद ही आपको खरीदना है। क्यों खरीदना है, क्योंकि 3 बजे पहले बहुत मार्केट में उठा पटक होती है, 2:30 बजे के बाद में एक प्राइस आ जाती है कि इसके आसपास ही ये रहने वाला है, तो उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये ज्यादा गिरा है आज। तो बाय ETF आफ्टर 3 PM, और सेलिंग जब हमको करनी है तो हमको 2 बजे पहले ही करनी है, क्योंकि 2 बजे तक जितना गिरना होता है वो गिर जाता है, जितना उठा पटक होती है वो हो जाती है, लेकिन ये सेलिंग का 3 महीने बाद का गणित है। अब आप देखिए यहां पर वापस से हम डिजिटल बोर्ड पर ही आ जाते हैं। अब कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त मेरी ये रहेगी कि आपको 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में डेली आपके पास में 6-8% 10% का प्रॉफिट ETF के जरिए आने वाला है। बस 3 महीने का इंतजार है, 3 महीने बाद इतनी बड़ी दुकान ओपन हो जाएगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट 1 महीने से तो मैंने शुरू कर दिया है, और मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड के आपके वीडियोज बनाता हूँ, कुछ हटके भी बनाऊँ ताकि आपकी भी अर्निंग हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कुछ मेरे से छूट गया हो तो वो बताइएगा, आपको कुछ वीडियोस चाहिए हो ट्रेडिंग से रिलेटेड वो भी बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रहता है। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसके अंदर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर पैसा वेस्ट होता है, हमको नहीं आता सीखना है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एक्सेल शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया, वहीं से जाके ओपन कर लेना है, पूरा तरीका फॉलो कर लेना। और हाँ, ब्रोकरेज भैया, ब्रोकरेज मार देता है आदमी को, तो मैं कहता हूँ भैया जीरो ब्रोकरेज वाले भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि जीरो ब्रोकरिंग चार्जेस लेते हैं आपसे, वहां पर जाकर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी आप प्रॉफिट यहां से गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।